सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपविला अपडेट। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सो जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग होने वाली है। एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद हमने ये अपनी वीडियो बनाई है। इसके पहले हम लोग TS-46 की सीरीज़ ला रहे थे, और आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि जो हमारा जो बैच था, जिसके लिए हमने अलग से जो बैच बनाया था प्रैक्टिस के लिए, उस बैच से 5 बच्चे रिकमेंड भी हुए हैं, जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, जिनमें से 3 बच्चे हमारे SSB भोपाल कर थे, एक कपूरथला और एक इलाहाबाद। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी खबर है कि जिन्होंने ईमानदारी से फॉलो किया हमें, उन्होंने हमें थैंक भी कहा बाद में आकर चैट पर। सो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको कहीं भी जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सो ये वीडियो जो है वो TS-47 के लिए है। जो बच्चे उसको नहीं बना पाए, उन्होंने अपना पूरा एफर्ट्स लगाया या अपने एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी रह गई, उनके लिए हम लोग अब नई सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले हम उसके लिए TS-47 की शुरुआत अभी से करेंगे। लास्ट टाइम पर जो करता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कंसिस्टेंट रहता है उसे ज़्यादा चीज़ ग्रास्प करने को मिलती है, और अगर ज़्यादा चीज़ ग्रास्प करने को मिलती है तो वो जल्दी से जल्दी अपने अंदर OLQs डेवलप कर पाता है। और अगर उसने अपने अंदर OLQs डेवलप कर लिए हैं तो उसे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं लगती। नेचुरली वो इस काबिल बन जाता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए 3 ही ऑफिसर्स के सामने। सो जो आज की हमारी वीडियो रहेगी, एक बेसिक जनरल नॉलेज के ऊपर रहेगी कि क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं TS-47 में, और क्या इसकी डेट्स हैं, और क्या क्या नई इंस्ट्रक्शंस आए हैं इसमें, इसके ऊपर हम इसमें करेंगे बात। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट भी करने वाले हैं। इस बार हम लोग डिफेंस न्यूज़ वगैरह भी लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी के सिनेरियो के हिसाब से। और जो भी हम अपडेट्स आपको देंगे उसके लिए आप हमारे पास सबसे पहले जुड़ें, उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हम बात कर रहे हैं TS-47 की, ठीक है। इसके पहले हुआ था TS-46, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम अगर आपने TS-46 दी है या नहीं भी दी है तो आपको इतनी चीज़ पता चल गई होगी कि इसके अंदर क्या इंक्लूड हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ JEE मेंस, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि JEE मेंस इंक्लूड हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को इसके कट ऑफ से, इसके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ आते हैं, बट एक सीधी सी बात यह है कि JEE मेंस का कोई भी कट ऑफ नहीं निकाला गया था। बच्चे बहुत सारे मिथ बता रहे थे कि 20% 30% ऐसा नहीं है, 10% और 5% वाले बच्चों को भी इस बार कॉलअप लेटर मिला था। सो आपको ये बात ये याद रखनी है कि JEE मेंस जो है उसका क्राइटेरिया सिर्फ इतना था कि आपने उसमें अप्लाई किया होना चाहिए, आपने वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट की होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना सा क्राइटेरिया JEE मेंस का अभी तक के लिए था। आने वाले टाइम के लिए क्या होने वाला है ये हम नहीं कहेंगे। JEE मेंस को इसीलिए इंक्लूड किया गया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग बोर्ड्स के होते हैं, तो उनका लेवल जो है पता करने के लिए JEE मेंस को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो JEE मेंस की जो आपकी मार्कशीट उसमें लगेगी, मे बी जो मार्कशीट लगेगी वो आपके लेटेस्ट ईयर की लगेगी। यानी अगर आप TS-47 देने वाले हैं तो आपके पास जो लेटेस्ट, जो लास्ट टाइम जो सबसे लेटेस्ट हमारी JEE मेंस हुई है, उसकी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे अगर फरवरी में स्टार्ट होता है तो फरवरी में अभी तक तो कोई JEE मेंस हुई नहीं, तो लास्ट JEE मेंस कब हुई थी, जो लास्ट ईयर हुई थी, तो उसकी में वहाँ पर एलिजिबल हो जाएगी। बट अगर जो एप्लीकेशन फॉर्म आने का डेट है उसके पहले कोई भी JEE मेंस हुई है तो वो आपने अपीयर्ड की होनी चाहिए, ठीक है। JEE मेंस का सिर्फ इतना सा मुद्दा है, अभी तक कोई कट ऑफ आया नहीं था। इस बार 12th का ही कट ऑफ था। JEE मेंस को सिर्फ आपने अपीयर किया होना चाहिए, ये क्राइटेरिया थे उसमें। तो अब आने वाले कट ऑफ आने वाला है कि नहीं, ये चीज़ हमें बाद में पता चलने वाला है। और इस बार का जो कट ऑफ है, अब हम चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। JEE मेंस तो एक बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया था जो कि ऐड हो गया, मुझे इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। सो इस बार जो क्या हुआ था, कट ऑफ इस बार बहुत ही झोल हो रहा था, क्योंकि कहीं कहीं बोल रहा था कि फ्री में मार्क्स मिले बच्चों को तो कट ऑफ हाई जा सकता है, लो जा सकता है। बट इस बार क्या किया था, जो हमारे DRDO ने जो कट ऑफ सेटअप किया था, जो हमारे इंडियन आर्मी में उन्होंने कर दिया था, उससे बहुत ही ज़्यादा कम, ऑल टाइम का बहुत ही ज़्यादा कम, यानी 75% या 74% के बच्चे हैं जो जिन्हें PCM में मिले थे उन्हें भी कॉल अप लेटर मिला था। तो इस बार जो थी वो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए इस बार जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं रिजेक्शन जो था वो ज़्यादा हुआ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में आए थे, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम था तो बहुत ज़्यादा बच्चों को मिला था कॉल अप लेटर। सो उस चीज़ के रिलेटेड, बट
इस बार जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं हुई हैं, इस बार जो 12th के बच्चे पास आउट होने वाले हैं इन लोगों ने अपने खुद से एग्ज़ाम दिए, तो इस बार का कट ऑफ आप ये मत सोचिएगा कि बहुत कम जाएगा, जो आप अपनी स्टडीज़ है 12th की उसको अच्छी रखिएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो एवरेज जाएगा, एवरेज इन द सेंस अगर इस बार 75 गया है तो 80% 85% और किसी किसी केस में हाई भी चल जाता है, बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाने वाला है, बट अभी लास्ट टाइम बहुत कम निकला है तो बहुत कम भी नहीं जाने वाला है, तो आप एक 80 को अपना कट ऑफ मान सकते हैं, बट फिर भी आप अगर 75 के अबव हैं या 75 है तो आप एक सेफ जोन में माने जाएंगे, 70 के अबव भी अगर आप अभी लास्ट ईयर के लास्ट SSB के हिसाब से देखें तो 70 के आसपास भी आप सेफ जोन में थे, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 80 जो है वो आपको अपना एवरेज कट ऑफ लेकर चलना है, और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये जो है आपका पी सी और एम का एवरेज है, आपके 12th क्लास का एवरेज नहीं है, आपको जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर जो कट ऑफ आएगा वो होना चाहिए आपका 80%, ये नहीं कि आपके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं और उसमें दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसके जैसे आपका 90% बन रहे 12th में, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉल अप लेटर मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का जो है टोटल कट ऑफ देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन डेट की, ठीक है, क्या एप्लीकेशन डेट का अभी तक मुद्दा उठा है। मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन डेट की बात करने से पहले हम एक अच्छी चीज़ बात कर लें जिसके ऊपर भी बहुत लोगों को डाउट रहता है, वो कि हमारा एज लिमिट, ठीक है, तो एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर। एज लिमिट जो है आपको पता है 16.5 से 19 होती है, बट बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, तो मैं आपके पास एवरेज डेट लेके आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली देखना होगा कि 2 फरवरी 2003 से लेकर 1 फरवरी 2005 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप 100% एलिजिबल हैं, आप 100% एलिजिबल हैं, बट अगर कोई बच्चा है जिसकी इसके आसपास आती है यानी 2 के पहले 1 तारीख को आ जाती है या थोड़ा सा आसपास की डेट आती है तो उसके लिए आप थोड़ा सा चेंज हो सकते। ये जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है ये हमने लास्ट ईयर के जो डाटा है उनके अकॉर्डिंग जो एवरेज निकाल के बनाया है, सो एक दो डेट का आगे एक दो डेट का पीछे हो जाता है, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी कब रिलीज़ हो रही है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है, तो जो डेट आने वाली है वो अप्रॉक्सीमेट यही आने वाली है। अब ऐसी डेट क्यों आने वाली है 2 फरवरी 2003 से ही, क्यों, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन डेट रिलीज़ होने का डेट है वो अक्सर जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है, जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली होता है 2 तारीख फरवरी का या 1 तारीख फरवरी का, तो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो जाएंगे अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन, ठीक है, और आपका जो ख़त्म होने का डेट है वो भी आपको पता चल जाएगा, 1 महीने के अंदर होता है एप्लीकेशन फॉर्म देने का, काफ़ी टाइम होता है आपके पास, सो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए एज लिमिट का। एज लिमिट बहुत मैटर करती है, आपने अगर पहले फॉर्म भर दिया है और आपको कॉल अप लेटर भी मिल गया है बट आपने कुछ मिस्टेक से फिल किया है या गलत फिल किया है तो आपको डॉक्यूमेंट आउट कर दिया जाता है वहाँ पर, इसलिए कोई भी चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार भी ऐसा हो रहा था कि हर सेंटर पर 500-500 बच्चे रिपोर्ट कर रहे थे बट 100 बच्चे लगभग जो है वो डॉक्यूमेंट आउट हो जा रहे थे किसी ना किसी काम की वजह से, तो आपको डॉक्यूमेंट आउट नहीं हो, आप इसके लिए सेट नहीं हो, उसके लिए आपको पहले से ही ध्यान रखकर चलना है, एक एक डिटेल्स आपको सोच समझ के डालनी है। कट ऑफ आइडिया अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर कट ऑफ आइडिया देख सकते हैं कि TS 40 का जो था वो 85% गया था, 78% फिर 85% 79% ऐसे ऐसे जो आसपास के TS के कट ऑफ्स हैं उसके बाद 79% के बाद एक 88% तक चले गया था, 88% के बाद वो वापस कम आ गया था 80% पर, 80% के बाद इस बार का आपको पता ही है कि अराउंड 70% या 74% तक गया था, तो बहुत ही कम हो गया था इस बार और इस बार वापस से बढ़ने वाला है, आप देखें तो एक इनमें पैटर्न चल रहा है 85 78 85 एंड 79, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा कम ज़्यादा का पैटर्न चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर अभी लास्ट टाइम का कम गया है तो इस बार थोड़ा सा हाई आ भी सकता है, बट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ भी गारंटी नहीं कह सकते, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है वो आपको अपने हिसाब से मेंटेन करना होगा कि जो बच्चे भी 12th में हैं वो उसको ज़रूर मेंटेन कर सकते हैं, जिनकी 12th हो चुकी है ऑफकोर्स वो नहीं कर सकते हैं बट वो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अभी से एक एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ की नॉलेज लेके जाएंगे, कम्प्लीट तैयारी करके जाएंगे, तो SSB कहने को बहुत ही टफ चीज़ है, ऐसा कहा जाता है इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू है, ऐसा भी कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट और टफेस्ट इंटरव्यू, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है वेबसाइट्स पर, बट अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया है सो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा खुद में प्राउड होगा कि आपने इसको एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है अच्छे लेवल पे अपने पोटेंशियल पे, ठीक है। तो आपको बस अपने तरफ से ईमानदारी से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने एफर्ट जो हैं वो प्रॉपरली पुट करना है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. और जैसा कि मैंने कहा था कि प्रिपरेशन बैच स्टार्ट होने वाली है, आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि इसकी जो प्रिपरेशन बैच है वो बिल्कुल ही बिल्कुल फ्री होती है, 0 रुपीज़ की होती है, जिसके अंदर हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर मेम्बर्स को ऐड करते हैं. जिन लोगों को उसकी तैयारी करनी होती है उसके लिए हम लोग जूम मीटिंग्स पर अलग अलग टॉपिक्स पर GD लेक्चरेट जैसे चीज़ें करवाते हैं, है ना. जो बच्चे हमारे टॉप सिलेक्टर्स में आते हैं उनको हम लोग प्राइज भी प्रोवाइड करते हैं, कैश प्राइजेस भी करते हैं जो OER टेस्ट में टॉप करते हैं. उसके साथ साथ हम लोग गूगल मीट्स पर, जूम पर मीट्स भी करवाते हैं, जहाँ पर हम हमारे एक कमांडर राठौर सर से बात करने का मौका देते हैं. उसके साथ साथ जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पर रैंडमली आप एक दूसरे से टॉक कर सकते हैं इंग्लिश में, कॉल करके वहाँ पर अपना नंबर पुट करके, जो कि स्पेशली इंग्लिश के लिए ही बनाया गया है, जिससे आप बात कर कर अपनी इंग्लिश सुधार सकें. तो ये सब रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं. अगर आपको भी हमारे साथ ऐड होना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए. आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ कमेंट्स हम इस चीज़ को रिलीज़ कर देंगे TES-47 के लिए भी, जिस प्रकार हमने TES-46 का चलाया था. तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.